ये सर अपना नरेंद्र कुमार पांडे कहाँ के निवासी हैं? बढ़िया 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 के निवासी। क्या मतलब आपके यहाँ किस प्रकार की पुण्यतिथि किनकी मनाई गई? पंडित ईश्वर दत्त पांडे जी, जो कि हमारे पिता हैं, उनके कार्य के बारे में उन्होंने किया उसके बारे में लोगों को बताया गया ताकि ये याद सबको बनी रहे क्या किया जाए समाज में और किस तरह से लोग रहे अंदर कर समाज में किस व्यक्ति का कहें तो उन्होंने समाज के लिए इस गाँव के लिए एक बाजार का जो आज शौक से प्रणेता कहते हैं तो प्रणेता मतलब जो जिसको जन्म देता है जिसकी शुरुआत करता है जिसकी रचना करता है रचनात्मक दृष्टिकोण से जो काम उन्होंने किया है नगर से बाजार से बहुत दूर जहाँ तक छोटी सी छोटी सुविधा भी यहाँ किसी को नहीं मिल पाती थी वो सारी सुविधाएं आज उनकी कृपा से उनके सौजन्य से किए गए कार्य के बदौलत आज सारे लोगों को मिल रहा है। ये अपने आप में एक अनूठी बात है। अच्छा आप उनके जीवन की कुछ ऐसी घटना के बारे में बताइए जो आपको मतलब लगा हो कि नहीं ये कार्य सबसे अच्छा उन्होंने किया। वो तकलीफ में भूखे दुखे किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। एक बार की घटना है कि हमारे घर पे एक पंडित जी आए जो भीख मांगा करते थे सारे लोग जानते हैं वो मौके पर आ जाते हैं और उस दिन भोजन सिर्फ उतना ही रहता है कि उन्हीं के लिए रखा था सारे लोग खा चुके थे भोजन उन्हीं के लिए रखा था वो अपने भोजन करने जा रहे थे जैसे ही वो आए हैं वही थाली जो उनके लिए रखी थी उसको ला करके उनको दे देते हैं पंडित जी को कहते महाराज जी खाइए। ऐसी विचारधारा के वो थे उनके व्यक्तित्व की जितनी भी सराहना की जाए कम है। अच्छा आप जो है इस बाजार के बारे में क्या कहेंगे उनकी स्मृति के रूप में कुछ आप यहाँ पर ऐसा क्या मतलब चाहेंगे कुछ हो जाए? उनकी स्मृति के बारे में हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं धनाभाव के नाते नहीं कर पाए। हमारे चूंकि हम पेशे से पत्रकार हैं सच्चाई लिखना निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए मुझको रिवार्ड मिला है और उनके इतने बड़े कार्य पर किसी भी नेता ने कभी कोई तवज्जो नहीं दिया जबकि ऐसे लोग जिनका कोई सृजनात्मक कार्य